उत्तरकाशी में मजदूरों को रेस्क्यू करने का अभियान आज भी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज अभियान का 11वां दिन है। फिलहाल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जारी है। 10 दिन से उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम को कामयाबी मिलने लगी है। पहले 6 इंच के पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद मजदूरों का एक वीडियो भी सामने आया तो उनके सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद भी अब पुख्ता हो गई है। अब इस ऑपरेशन में एक और तेजी आने वाली है क्योंकि टनल में DRDO का दक्ष पहुंच गया है। दक्ष बहुत जल्द मजदूरों तक पहुंचने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्ष कौन है? तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दक्ष कौन है और ये कैसे काम करता है। दक्ष नाम सुनकर लगता है कि ये कोई शख्स है जो मजदूरों की मदद करने के लिए उत्तरकाशी के सिल्केर टनल में पहुंचने वाला है। लेकिन ये कोई इंसान नहीं है बल्कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि एक रोबोट है जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। दक्ष और उसके छोटे वर्जन दक्ष एस्काउट दोनों को लेकर DRDO की टीम उत्तरकाशी पहुंची है। दक्ष और उसके छोटे वर्जन दक्ष एस्काउट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये मॉनिटराइज्ड पैन टिल्ट प्लेटफॉर्म पर काम कर सके। मतलब ये दोनों रोबोट आड़ी तिरछी और ऊबड़ खाबड़ जैसी जगहों पर भी चल सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को 2 दिन में 2 कामयाबी हासिल हुई हैं। 9वें दिन 6 इंच का पाइप टनल के अंदर पहुंचा जिसके जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। इसके साथ ही मजदूरों तक जरूरी सामान भी पहुंचाया गया है। जबकि 10वें दिन बड़ी खुशखबरी आई जब टीम ने पाइप के जरिए कैमरा भेजा और मजदूरों से बात की। अब टीम का फोकस है कि जल्द से जल्द मजदूरों का रेस्क्यू किया जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में DRDO का रोबोट दक्ष काफी मददगार साबित होने वाला है। दक्ष की खूबियों की बात करें तो ये ROV सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, लगातार 3 घंटे काम कर सकता है, 100 से 500 मीटर के दायरे में ऑपरेट हो सकता है, 2.5 मीटर दूर से 20 किलोमीटर की चीज को उठा सकता है, जबकि 4 मीटर की दूरी से 9 किलो की वस्तु को भी ये उठा सकता है। इसमें कैमरा, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, शॉटगन, IED हैंडलिंग टूल भी है। इस रोबोट से बचाव राहत कार्य में लगी एजेंसियों को सुरंग में जोखिम भरे रास्तों का पता चल सकता है। माना जा रहा है कि इसे सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की निगरानी के लिए भी भेजा जा सकता है। इसमें लगे कैमरा से सुरंग के अंदर की स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर चौतरफा काम चल रहा है। सुरंग में 5 दरवाजा बनाने की तैयारियां रेस्क्यू टीम कर रही है ताकि 5ों में से जो भी रास्ता सबसे पहले बनकर तैयार हो उससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स की निगरानी में उत्तरकाशी में मिशन जिंदगी पर काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने बताया कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन पहाड़ी के ऊपर से करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा पहाड़ी के पीछे से ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा साइट पर भी हम एक और ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं। मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि हम सुरंग में 5 दरवाजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा दरवाजा खुलेगा, लेकिन फंसे हुए मजदूर घर जरूर जाएंगे। सिल्केरा सुरंग के जिस मेन गेट से 3 फीट व्यास का पाइप डाला जा रहा था, अगर मशीन के ठीक होने के बाद एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। इस पाइप के जरिए अब तक 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। ड्रिलिंग के बाद उसमें अब तक 5 से ज्यादा पाइप डाले जा चुके हैं। मलबा 60 से 70 मीटर तक है, मतलब अभी भी आधे रास्ते की ड्रिलिंग बाकी है। एस्केप रूट बनाने के लिए जिन पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो टनल के अंदर ले जाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिल्केरा सुरंग में रेस्क्यू प्लान के तहत पहाड़ी के ऊपर से भी एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसी के साथ सुरंग के पिछले हिस्से में भी एक ड्रिलिंग चल रही है। इसके अलावा NDRF की टीमें कुछ अलग तैयारियां भी कर रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो रेन कर सुरंग के अंदर जा सके। रेस्क्यू टीम जिस स्पीड के साथ काम कर रही है उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 2 दिन में एक और अच्छी खबर मिल सकती है।